हाय और अब्बा, ये तो अटकी गई, जा ही नहीं रही नीचे। अब मैं क्या करूं, बारात भी आने वाली है यार, अब मैं क्या। तो गाइस, ऐसा होता है ना आपके साथ, मेरे साथ भी होता है और बहुत जनों के साथ होता है, तो इसका मैं हल लेके आई हूँ। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। आज मैं लेके आई हूँ वेडिंग है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अगर आपकी भी इसी तरीके से चेन अटक जाती है तो इसके लिए आप यूज में ले सकते हैं ये है मोमबत्ती। इसे आप अपने चेन पे इस तरीके से लगाइए, जिस कारण से आपकी चेन थोड़ी ढीली हो जाएगी, नरम हो जाएगी। फिर इसे आप 2-3 बार ऊपर नीचे करिए तो ये आसानी से खुल जाएगी। अगर आपके पास मोमबत्ती अवेलेबल नहीं है तो आप ऑयल भी यूज ले सकते हैं और सीरम भी यूज ले सकते हैं। एयरबड्स में ऑयल और सीरम लेके आप चेन पे इस तरीके से लगाइए, उसके बाद 2-3 बार ऊपर नीचे करिए तो आपकी चेन फ्री हो जाएगी और अच्छी तरीके से बंद हो जाएगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट हैक पे। हाय, ये दुपट्टा कैसे लूं? ऐसे लूं या ऐसे करूं? ये तो ओल्ड फैशन हो गया, अच्छा नहीं लगता। तो मैं बताती हूँ, हमें इसे बराबर लेना है और इस तरीके से सारा दुपट्टा, मतलब इस तरीके से घुचुर मुचुर कर देना है। समझ में आया, घुचुर मुचुर। तो गाइस, इस तरीके से सारा नेट दुपट्टा को एक जगह कर लीजिए और ये जो है प्लेट, इस दोनों प्लेट को एक जगह कर लीजिए, जिससे थोड़ा सा सुंदर लगेगा आपका दुपट्टा। अब इस तरीके से पिन डाल के, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आप इसे पिन अप कर ले। मैं पूरे दुपट्टे पे इस तरीके से पिन कर लूंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। अरे रुको रुको, मैं आ गई। तो ये रहा। अब इसे आप इस तरीके से ले सकते हैं। मैंने पूरा में अच्छी तरीके से लगा लिया, बस छोड़ी हूँ मैं, बाकी में मैंने अच्छी तरीके से लगा लिया है। और आप इस तरीके से लगा के पिन कर सकते हैं। और एक बार इस तरीके की जो काटा पिन आती है, जो खोपा वाली पिन बोलते हैं, इस पिन में जो मोती आता है, मैं ये मोती यूज में ले रही हूँ। तो आप भी इस तरीके से सेफ्टी पिन के अंदर मोती डाल के फिर पिन करिए, जिसका कपड़ा साड़ी पिन पे नहीं अटकेगा और आपकी साड़ी भी सेफ्टी रहेगी या दुपट्टा सेफ्टी रहेगा। अगर आपके पास कंगन नहीं है और आपके हाथ सुनने सुनने अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप इसी दुपट्टा को इस तरीके से बैग में लेके, पहले इस तरीके से पिन करके, इस तरीके से करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हो गया पिन, कैसा लग रहा है? अगर आपको दुपट्टा कैरी नहीं करना है और आपके हाथ सुनने हैं, तो आप इस तरीके से दुपट्टा को लगा सकते हैं और आप बहुत सुंदर लगने वाले हैं। तेरे पास बिंदी है क्या इस कलर की या गोल्डन कलर की? कोई भी एक बिंदी दे देना यार, तेरे पास बिंदी है क्या? तो ऐसा होता है आपके साथ कि आपके ड्रेस की मैचिंग की बिंदी ही नहीं मिलती यार? तो आप इस तरीके की बिंदी ला सकते हैं। ये है वाइट स्टोन की बिंदी, जो आपकी सारी ही ड्रेस में चलती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। तो ये स्टोन की बिंदी है, ये आप साड़ी और ड्रेसेस वगैरह में पहन सकते हैं। अगर आपके पास कलरफुल बिंदी नहीं है तो आप ये ऐसी बिंदी लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? मैचिंग की भी दरकार नहीं है और सुंदर भी लगती है। तो आप ऐसी स्टोन की बिंदी हमेशा एक पत्ता रखिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आप इस तरीके से बिंदी लगा के सुंदर लग सकते हैं। पार्लर वाली दीदी, आप फ्री हो क्या? मेरा थोड़ा सा हेयर स्टाइल बना दो ना, ये सामने से बना दो, कुछ भी बना दो यार। नहीं होगा, बारात आने वाली है, प्लीज बना दो ना। आपके साथ होता है ऐसा? मेरे साथ भी होता है। अगर आपके पास है इस टाइप की पिंस, तो मैं आपको बता सकती हूँ इस तरीके से इस टाइप की पिन लेके साइड पफ कर ले, हल्का सा पफ करना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं। और इस टाइप की पिन या इस टाइप की पिन आप लगा सकते हैं इस तरीके से, या फिर ये। तो मैं आपको ये वाली लगा के दिखाती हूँ। मैं इस पिन के अंदर इसे मैं इस तरीके से, तो देखिए आप इस तरीके से स्टोन की पिन डाल सकते हैं। और आप डायरेक्ट ऐसे मत लगाइएगा,
एक इस तरीके की पिन लगा के फिर उसके अंदर डालिएगा, नहीं तो आपकी पिन ऐसे निकल के कहीं पे गिर जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप इस तरीके की पिन यूज में ले सकते हैं, आप एक दो ला के रखिए और आपको हमेशा काम आएगी। हाय पर मुझे तो मांग टीका लगाना है तो मैं कैसे लगाऊं? रुको रुको, मैं मांग टीका लगाऊंगी फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है और कैसी हेयर स्टाइल करनी है। मैं आ गई आ गई। तो कई जने तो समझ ही गए होंगे कि ये तो मांग टीका नहीं है, ये है मेरे कान के, मतलब ये है मेरी इयररिंग। तो ये मैंने कैसे लगाया, किस तरीके से लगाया, ये जानने के लिए आपको मेरी शॉर्ट्स वीडियो देखने पड़ेगी। उस पर मैंने ये मांग टीका हैक डाला है, तो आप वो जरूर चेकआउट करिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो मैंने ये मांग टीका लगा लिया है, समझ रहे हो? ये मैंने इयररिंग को लगाया है, तो आप वो शॉर्ट वीडियो जरूर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और मुझे पता है बहुत सुंदर लग रहा है ये। यहाँ पे करूँगी सिंपल सी, एकदम सिंपल सी हेयर स्टाइल जो सबको ही कर सकते हैं। इस तरीके से बाल लेके ट्विस्ट एंड ट्विस्ट एंड ट्विस्ट ऐसे करके इस तरीके से आप पिन कर ले। बस सेम मैं इधर कर रही हूँ। तो हो गया ना सिंपल सा हेयर स्टाइल और लग रही हूँ ना बहुत सुंदर। अगर आप चाहें उस टाइप की स्टोन की पिन आप इधर साइड में भी लगा सकते हैं, पर मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, मुझे सिंपल ही अच्छा लगता है। तो आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है? ओ गॉड, ये कंगन मुझे आई नहीं रहे। ओ गॉड, बहुत दुख रहा। ओ गॉड, ये कंगन आ ही नहीं रहे। होता है ना आपके साथ भी, मेरे साथ तो होता ही है। इस जगह बहुत दर्द होता है। तो मैं यूज में लेती हूँ प्लास्टिक। आप इस टाइप की कैरी बैग को अपने हाथ में डाले और इस टाइप से धीरे धीरे कंगन को ऊपर डाले और इस जगह से आप अपने हाथ को थोड़ा दबा के इस तरीके से कंगन को डाले और आपका कंगन अंदर आपके हाथ में चल गया। देखिए हो गया ना इजी तरीके से। तो आप इस तरीके से पहन सकते हैं, आप बॉडी लोशन वगैरह भी लगा के पहन सकते हैं, पर उससे क्या होता है ना चूड़ी में बॉडी लोशन लग जाता है, फिर ऊपर नीचे होता है तो पूरा हाथ में तक गंदगी हो जाती है, तो गंदा तरीके से लगता है वो, फिर वो मेरे को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इस तरीके से ही पहनती हूँ। तो आप हमेशा अपने साथ एक इस तरीके की प्लास्टिक जरूर से जरूर कैरी करें जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें तो हो गया, पर ये दोनों हाथों में अच्छी लगती है। तो इस हाथ में आप इस तरीके की स्टोन की घड़ी पहन सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक हाथ में घड़ी और एक हाथ में कड़ा या चूड़ी कैरी कर सकते हैं, मतलब पहन सकते हैं, तो आप बहुत सुंदर लगने वाले हैं। नहीं तो दोनों हाथ में भी पहन सकते हैं, पर मुझे एक हाथ में कड़ा और एक हाथ में घड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप इस तरीके से पहन सकते हैं और स्टाइलिश लग सकते हैं। आज मेरी यार की शादी है, आज मेरी यार की शादी है। हाय, ये मांग टीका तो इतना हिल रहा, अब मैं क्या करूं? तो मैं बताऊं, तो आप इस तरीके से डबल टेप को लगा के इस तरीके से प्रेस कर लीजिए। अब आप डांस करिए, आपका मांग टीका नहीं हिलेगा। तो अब आप चाहे कितना भी डांस करिए, आपके मांग टीका नहीं हिलेगा, देखिए नहीं निकलेगा। अब आ गई है बारात और मैं जाती हूँ बारात में डांस करने के लिए। फिर कोई प्रॉब्लम होएगी तो फिर मैं आऊंगी आपके पास आपको बताने और कुछ जुगाड़ करने। बताती हूँ, हमेशा अपने बैग में रखें इस तरीके की फेविक्विक, एक या दो रखने से हो जाएगी। और अगर आपकी चप्पल टूट जाती है तो आप इसे खोल के से इस तरीके से लगा के जोड़ ले, फिर आपकी चप्पल ठीक हो जाएगी और आप रेडी हो जाएंगे बारात में डांस करने के लिए। तो मजा आ रहा है ना वीडियो में? अभी तक जो रुके हुए हैं
उन्हें तो मजा आ ही रहा होगा। तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। शादी है भाई, चमकना तो बनता है ना, जरूरी थोड़ी है कि दूल्हा और दुल्हन ही चमकेंगे, हम भी तो चमक सकते हैं ना। तो लास्ट टाइम पे जब आप जाते हैं तो जरूर से हाइलाइटर लगा ले, अच्छी तरीके से लगाना है जिससे कि आप भी चमके, और इस तरीके से लेके अपने नोज पे लगाना है जिससे आपका नोज बहुत ज्यादा ही सुंदर लगे और ग्लो करे। थोड़ा सा गले पे भी मार लेती हूँ जिससे मेरा गला भी बहुत सुंदर लगे। आप में से किसी को ज्वेलरी पहनना है तो आप पहन सकते हैं, मैं स्किप कर रही हूँ, और अगर आपको रिंग पहनना है तो आप पहन सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। और एक बात मैं आपको जरूर से बताना चाहती हूँ, अगर आप कोई बैग कैरी नहीं करते हैं तो भी आपको एक लिपस्टिक तो कैरी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब हम कुछ खाते हैं कुछ करते हैं तो हमारी यहाँ से लिपस्टिक हट जाती है, तो कौन यार जाएगा लिपस्टिक लगाने इतनी दूर। तो एक लिपस्टिक को आप इस तरीके से कैरी कर सकते हैं, और ये गिरेगी भी नहीं क्योंकि आपको पता रहेगा यहाँ पे है, इस तरीके से कैरी कर सकते हैं। अगर लिपस्टिक हट जाए तो इस तरीके से साइड पे जाके बस टचअप कर लीजिए और हो गए आप रेडी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और फिर इसी तरीके से अपना फोन भी इधर रख सकते हैं, तो लिपस्टिक ले जाना मत भूलना और हाइलाइटर लगाना तो एकदम भी मत भूलना। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, और कैसी लग रही हूँ मैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपको पता है क्या करना है, मेरे इस वीडियो को बहुत दूर तक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय मेरे प्यारे क्यूटीज। मैं तो जाती हूँ बारात में इंजॉय करने, और आप मेरा ये वीडियो इंजॉय करिए, चाहे दोबारा भी देख सकते हैं नहीं तो कोई बात नहीं, और शेयर भी कर सकते हैं। अब मैं तो चली बारात में डांस करने, बाय। ठीक है।